my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. So my name is Anton Duryasa, I'm going to ask you to have it for long, long after. शायद इसके स्वागत है. अभी हम लोग आते हैं भैया कहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट बॉक्स के पास में आई टी मेट्रो स्टेशन. आज हम आपके देने वाले हैं गाभिनों की आई आई टी वाले की. तो आई आई टी वाले गाभिनों का क्या कहते हैं. तो आज देखेंगे कि भाई ये जेडीओ काम कैसे चल रहा है कि भाई अपने यूट्यूब में आई आई टी में चला गाभिनों इसका काम कैसे चल रहा है. तो बस कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग घूम मिलेंगे समोसे वाले का. हमको लगता नहीं अभी तो कानपुर समोसा जो कानपुर मेट्रो समोसे वाला है उसका कार चल रहा है तेज़ी से. खाली पोस्टर लगा दिया गया है इसका कार का. हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मेट्रो स्टेशन के ऊपर मिलेगा कि मेट्रो स्टेशन के अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, कोई मतलब आइडिया नहीं. यहाँ पर लिखा हुआ पिज़्ज़ा पार्टी, तो ये भी खुला हुआ छोटा सा यहाँ पे है, ओपनिंग हो रहा है. मतलब पिज़्ज़ा की जो ब्रांचें हैं बहुत ज़्यादा ओपन हो रही हैं. इसका अंदाज़ा हम लोग यहीं से लगा सकते हैं कि आई आई टी में पिज़्ज़ा खुल रहा है, क्योंकि वैसे भी कानपुर में जो पिज़्ज़ा की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. जो कानपुर के लोग हैं, जो कानपुर के निवासी हैं, वो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाते हैं. और पिज़्ज़ा खाने का एक अलग है, लेकिन उनका जो प्राइस है वो भी कानपुर का जो है बहुत ज़्यादा ही अलग है. मतलब जो प्राइस होता है मात्र 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का जो मिनिमम पिज़्ज़ा होता है छोटा वाला, वो यहाँ पर रखा गया है. और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है, छोटा थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चलता है. और चलने का एक वो होता है ना बाइक, ये ठीक है वो ठीक है, यहीं से मैंने इम्प्लीमेंट करवाई थी अपनी. तो मतलब एक होता है कि भाई ये चल रहा वो चल रहा, लेकिन नहीं भाई पिज़्ज़ा इतना हफ्ता लगभग नहीं मान लें तो आप पूरे कानपुर में पिज़्ज़ा खाया जाता होगा लगभग नहीं तो 4-5 लाख पिज़्ज़ा. जी हाँ, रोज़ नहीं यार कम बोल रहे हैं. अब एक पिज़्ज़ा वाला खुद ही बेच देता होगा कम से कम नहीं तो 1000-2000 पिज़्ज़ा. कानपुर में ढेरों हैं 10 लाख पिज़्ज़ा. जी हाँ, कानपुर में 10 लाख पिज़्ज़ा खाया जाता है. यहीं से मैंने अपनी जो बुलेट है वो निकलवाई थी रॉयल वाले के यहाँ से, आई आई टी रॉयल्स इनफील्ड. तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, कानपुर में 10 लाख पिज़्ज़ा खाया जाता है रोज़. तभी इसीलिए आई आई टी स्टेशनों पर पिज़्ज़ा उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि भाई जो कानपुर है वो भी ब्रांड के नाम से, कि भाई ब्रांड के नाम से होकर पिज़्ज़ा ज़्यादा खाया जाएगा. तो भाई ये अच्छी बात है कि भाई ब्रांड के नाम से खुलवाया जा रहा है, इंसान ज़्यादा खाएगा. और ठीक है कि भाई ज़्यादा खाएगा कम खाएगा उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन खाएगा. और भाई बेनिफिट होता है, अगर कोई 60 रुपये का पिज़्ज़ा है तो कम से कम इसमें 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का मतलब आधा, मतलब फूडिंग में आप लोग आधा बेनिफिट मान लीजिए. तो कुछ जो है कि वो अपनी डोमिनोज जो ब्रांच है जो खोला है वो ले लेगी, इसका जो फ्रेंचाइजीज ने लिए और मतलब अगर मान लें तो 4% लेती है, 4 या 5%. तो 7 से 8 रुपये ले लेगी. और जो बात है बताएंगे भाई वो इन भाई साहब के होंगे, आई आई टी वालों के होंगे, आई आई टी का रेंट देगा जो मेकर को देगा, मतलब कुल मिला के पूरा उससे उनको करना है. और सामने रहा अपना आईटी वाला पिज़्ज़ा, आईटी वाला पिज़्ज़ा कहें तो इसमें अगर ये चल गया तो लगभग इसकी फ्री जाएगी कम से कम 1000 से लेकर 2000 तक का. देखो भाई पहले गए तो ये डिस्कशन हो रहा है कैसा पिज़्ज़ा करना है कैसा नहीं करना है. मतलब क्या ये बताएं कि भैया ये डिस्कशन हो रहा है कि पिज़्ज़ा ये करें वो करें क्या करें क्या ना करें. मतलब पूरा तरह से यहाँ पर कार हो रहा है, देखिए अच्छे तरीके से यहाँ कार हो रहा है. यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग की पूरी सुविधा सही तरीके से उपलब्ध कराई गई है. देखिए मतलब ठीक है यार, यहाँ पे अच्छा कार हो रहा है, हमें अच्छा लगता है. और समोसे वाले की जो फ्रेंचाइजी है वो भी मतलब ऊपर से दिखाई आ रही है, समोसा और चाय मिलेगा सिर्फ. तो भाई हमको तो यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा यहाँ पर सामान मिले, चीज़ें मिलें. और मैं अगर बता दूँ, अगर ये चल गया तो कम से कम यही तो 1000 पिज़्ज़ा आई आई टी वाले से बिकेगा. और अब और डोमिनोज का है ब्रांड है तो ऑनलाइन भी इसकी डिलीवरी जाएगी. तो अगर आप मान लीजिए 1000 पिज़्ज़ा बिक गया और एक मिनिमम कॉस्ट तय कर लीजिए 60 रुपये, तो कितना हो गया आपसे सोचेंगे, समझ रहे हैं, आपसे सोचेंगे इतना रुपये कमा लेंगे एक दिन में अगर चल गया. और चलेगा क्योंकि भाई ब्रांड का नाम इन्होंने यूज़ किया है, डोमिनोज समोसा जो समोसा चाय ये भी ब्रांड का नाम है. तो इसकी फ्रेंचाइजी लेना ही पहले तो बहुत ही बड़ी काम है. ऊपर फ्रेंचाइजी मिल जाए, ऊपर से आईटी मेट्रो स्टेशन खुद के नीचे खुल जाए, और जो कार करा रहे हैं वो भी इतना अच्छा करा रहे हैं, सुंदर करा रहे हैं, उसका भी ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है यार कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है. लेकिन हमको काफ़ी संतुष्टि है कि भाई कानपुर भी इतना विकसित हो रहा है.
मैं आपको सही बता रहा हूँ, कम से कम 10 लाख पिज्ज़ा कानपुर में खाया जाता है, ये रियल बात है। और इतने मतलब अगर आपको हम दिखाना चालू करें ना पिज़्ज़ा, जैसे कल्याणपुर में 100 से ज़्यादा दुकानें होंगी पिज़्ज़ा की, 100 से ज़्यादा कल्याणपुर में, फिर गुरुदेव से 200, गीतानगर 300 जोड़ लो भाई, तो मतलब नहीं तो 2-4 हज़ार तो सिर्फ पिज़्ज़ा की दुकान होंगी सिर्फ छोटे मोटे शहरों में, जो छोटे मोटे सिटी के अंदर, जो कानपुर है, कल्याणपुर है, इसके जो कानपुर कल्याणपुर है मगर माल नहीं तो नहीं तो 5 हज़ार दुकानें तो सिर्फ होंगी पिज़्ज़ा की, 5 से 6 हज़ार दुकानें, क्योंकि भाई जरा गलियों में पिज़्ज़ा बिक रहा है भाई, गलियों में कल्याणपुर वो इंसान खा रहा है और पता नहीं कितना अच्छा लग रहा पिज़्ज़ा, इतना अच्छा भी नहीं हमको लगता है, एक नॉर्मल अगर आप चाहें तो मैं 1 से 2 पीस खा सकता हूँ, अगर आप कहें सिर्फ पेट भर लो तो भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं साफ कहता हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा। सूर्या होटल है, या मैंने वीडियो बनाई, अगर आपको अपडेट करना हो तो मैंने वीडियो भी डाल सकते हैं, कानपुर मेट्रो होटल तो सबसे पहले वीडियो आएगी मेरी, वो नीचे वो खुलवा रहा है बढ़िया है, वो भी ठीक है। तो अभी हम चलाए हैं, आज की जो वीडियो है वहीं पिन करते हैं, मैं आपको बता दूँ सबसे तेज जो है वो अपने ये जेमियो वाले पिज़्ज़ा का चल रहा है, डोमिनोज वाले का चल रहा है, ये थोड़ा सा लेट है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बहुत लेट है थोड़ा सा, क्या उसका तो ब्रांड नेम सब लिख गया है, तो बस यही दुआ करनी है कि भाई यहाँ पर पिज़्ज़ा खुल जाए और पहला पिज़्ज़ा मैं ही खाऊँ, यहाँ का जो पहला पिज़्ज़ा मैं ही खाऊँ, यानी पिज़्ज़ा खाऊँ, पहला पिज़्ज़ा मैं खाऊँ, और देखते हैं कि पहला पिज़्ज़ा फ्री होगा कि पैसे लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा डिटेल ऊपर से आ रही मेट्रो स्टार से आपको दिख रही होगी, और ये देखते हैं पहला पिज़्ज़ा फ्री है कि दूसरा पिज़्ज़ा फ्री है, मतलब कितने पिज़्ज़ा फ्री होंगे, कितना या चार्ज पड़ेगा या 50% पड़ेगा, जो भी होगा आपको वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।